please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चलते हैं सीधे मैसूर से. अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े. अरुण, सुबह से आप वहां से खबरें लगातार दे रहे हैं हमें, लेकिन दावे भी बहुत किए जा रहे हैं. जोश देखा जा रहा है लोगों में, चाहे वो पहली बार मतदान करने वाले लोग हों, चाहे वो 100 साल के बुजुर्ग क्यों ना हो. हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहा है, घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग, वोट डाल रहे हैं. पार्टियां भी दावे कर रही हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे. देखिए, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वो सिद्धारमैया का घर है. यहां पर सिद्धारमन्ना हुंडी कहते हैं इस गांव को, और उसी गांव के इस बूथ पर सिद्धारमैया का इंतजार हो रहा है. सुबह से ही 11 बजे वो वोट डालने आने वाले थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले 5 से 10 मिनट में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहां पर आएंगे. सबसे जो अच्छी बात है और जो सबसे जो है नोट करने वाली बात है वो ये है कि इस पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा संख्या में महिलाएं वोट देने आई. आप देखिए कि जो महिलाओं का सामने आपको एक तरह से लंबी चौड़ी लाइन दिख रही है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर है. महिलाएं सबसे ज़्यादा तादाद में आई हैं. पुरुष वोट देने के मामले में मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे नज़र यहाँ आ रहे हैं. महिलाओं ने ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. सुबह से 30% से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, और यही ट्रेंड लगभग पूरे कर्नाटक में है. जहाँ तक आपने सियासी लड़ाई की बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव के नतीजे आने तक तो सरकार बना ही रहे हैं. कम से कम जेडीएस भी सरकार बना रही है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कुमार स्वामी तैयार हैं. लेकिन जो जमीन पर हकीकत है वो ये है कि न कोई हवा है, न कोई लहर है, और न ही कोई मुद्दा आधारित यह चुनाव हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा है जिसको लेकर के चुनावी अखाड़े में राजनीतिक दल उतरे हैं. तो एक तरह से ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, मैसूर का ये इलाका है, यहाँ पर जो स्ट्रांग होल्ड है वो कांग्रेस और जेडीएस का है. बीजेपी ने बहुत कोशिश की, अमित शाह ने खास तौर पर यहाँ के राजा से मुलाकात की आकर के, और एक तीसरी ताकत बनने की कोशिश की है जी. तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है बढ़ रहा है, और खासी संख्या में महिलाओं का आना ये दिखाता है कि लोकतंत्र की मजबूती किस कदर बढ़ चली है. क्योंकि पहले चिंता इसी बात की होती थी कि पुरुष तो घरों से निकलते थे, महिलाएं नहीं निकलती थी, लेकिन यहाँ पर तस्वीर उल्टी है. महिलाएं ज्यादा संख्या में यहाँ पर आई है, पुरुष कम संख्या में आए हैं. तो अब सिद्धारमैया के आने का इंतजार है. नवजोत, बिल्कुल इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार उसी का कर रहे हैं, उसी क्षण का, उसी तस्वीर. अरुण सिंह लगातार हमें वहां से भेजते रहिएगा मैसूर से.